कानपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, जिसके बाद 100 साल पहले के इतिहास पर चर्चा होने लगी कि भारत में बने कपड़े की दुनिया भर में कितनी थाक वहां करती है। इसी थाक की वजह से तो कानपुर को पूरब का मेन चेस्टर कहा जाता था, क्योंकि साल 1876 में 5 अंग्रेजों की एक टीम जॉर्ज एलन, वीआई कपूर, गेविन एस जॉनस, डॉक्टर कुंडोन और बीवेन पैटमैन ने मिलकर कानपुर के सिविल लाइन्स में एक छोटी सी मिल की स्थापना की थी। ब्रिटिश सेना के सिपाहियों के लिए बनाती थी कंबल। शुरुआत में ये मिल ब्रिटिश सेना के सिपाहियों के लिए कंबल बनाने का काम करती थी। इसका नाम कानपुर वुलेन मिल्स रखा गया था। यहाँ बनने वाले ऊन के कपड़े ठंडे देशों में सप्लाई होने लगे। बाद में कंपनी ने सूती के कपड़े बनाने का काम शुरू किया। इसके उत्पाद लाल इमली के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि मिल के परिसर में इमली का एक पेड़ हुआ करता था। 1910 में इस मिल को पहला झटका लगा, जब मिल में आग लग गई। तब इस मिल की इमारत को गोद शैली में लाल ईंटों से बनाई गई थी। मजदूरों को वक्त बताने के लिए बनाया गया था घंटाघर। इसी मिल के इतिहास से कानपुर का ये घंटाघर भी जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ ये था कि इस मिल की वजह से वहाँ पास में मजदूरों की बस्ती बस गई। मिल के मालिकों ने मजदूरों को वक्त बताने के लिए इस घंटाघर का निर्माण करना शुरू किया। घंटाघर 1911 में बनना शुरू हुआ और 1921 में ये पूरा हो गया। घड़ी की सुइयां और घंटे लंदन से आयात किए गए थे। लंदन के बिग बेन के तर्ज पर बना ये घंटाघर तब से ही कानपुर शहर की औद्योगिक ताकत की पहचान बना हुआ है, जिसकी आवाज आज भी दूर तक सुनी जा सकती है। लेकिन लाल इमली मिल अब बंद पड़ा हुआ है, कई सालों तक रही थी था। लाल इमली अपने वुलेन क्लॉथ के लिए मशहूर थी। ऑस्ट्रेलिया की मोरिनो भेड़ के बाल से बनने वाले वुलेन कपड़े बहुत गर्म होते थे। कहा जाता था कि ठंड में भी इन्हें पहनने वाले लोगों को पसीना आ जाता था। जब तक ये अंग्रेजी शासकों के हाथ में रहा, तब तक खूब प्रसिद्धता बटोरा। इसके बाद कई सालों तक इसकी धाक रही। 1981 में हुआ था लाल इमली का राष्ट्रीयकरण। 1947 में अंग्रेजों के चले जाने के बाद ये मिल कई मालिकों से गुजरा, जब तक कि 1981 की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका राष्ट्रीयकरण नहीं कर दिया। इसके प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया था, तब ये कंपनी घाटे में रही। इसके चलते 1991 में इसे औद्योगिक और पुनर्गठन बोर्ड में भेज दिया गया। 1992 में इस कंपनी को बीमारू घोषित कर दिया गया। बीमारू होने वाली इस कंपनी को कभी स्पेन में इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड मिला था। कई सरकारों ने दिए बजट। समय समय पर सरकार ने इसे बेहतर बनाने के लिए बजट दिया। 2001 में सरकार ने 211 करोड़, 2005 में 47.35 करोड़, 2011 में 338.04 करोड़ रुपए की पूंजी डालकर कंपनी को उबारने की कोशिश की, लेकिन नतीजा अपेक्षा के अनुसार नहीं आया। 2008 में मिल की हालत बेहद खराब हो गई और 2012 में लाल इमली का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया था। नीति आयोग ने 2017 में इसे बंद करने का सुझाव भी दिया था। साथ ही कहा था कि मिल को बंद करने के बाद ही कर्मचारियों के बकाए और लंबित सैलरी का भुगतान हो। इस कंपनी में सैलरी देने के नाम पर भी घोटाला हो गया। BICL ने वित्त वर्ष 2020-21 में 106 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया था। अब चुनावी मुद्दा है लाल इमली मिल। फिलहाल कानपुर की लाल इमली मिल पिछले कई दशकों से एक चुनावी मुद्दा भी बनी हुई है। राजनीतिक पार्टियों ने लाल इमली को चालू कराने के नाम पर मजदूरों के वोट हासिल किए, लेकिन नेताओं ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब देखना ये होगा कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने वादे पर खड़े उतरते हैं या फिर बाकी नेताओं की तरह भी वादा भूल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।